बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बिस्विल्लाजीम चेंज के बाद जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कायदीन कारकुनान पर जाली मुकदमात की बरमार की गई बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया कुछ लोग लेकिन एक नया तरीका निकाला गया ऑन जलसा जिसने आज हकूमती एवानों के अंदर जल्जला बपा कर दिया है ट्विटर को और फेसबुक यूट्यूब को जिस तरह डाउन किया गया इंटरनेट पर हमला किया गया ये बड़ी ही आम तफसील है, लेकिन इसके साथ इमरान खान का जो पैगाम है उसने चकरा के रख दिया और टिकटों के हवाले से भी तहरीके इंसाफ ने बड़ा फैसला कर लिया है नवाज शरीफ की कहानी अवाम के अंदर खत्म हो चुकी है और जो नए सर्वे आए हैं उसने तमाम पी प्लस टोला और जो ताकतवर हल्के हैं उनको न सिर्फ हैरान कर दिया है बल्कि परेशान कर दिया है ये मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है इस वक्त ऑनलाइन जो जलसा है पाकिस्तान के अलावा जहर है पूरी दुनिया के अंदर ये एक आलमी जलसे की हैसियत अख्तियार कर गया है और किसी भी सियासी जमात का ये एक ऐसा उन्होंने माइंड अप्लाई किया है जिसको सब अप्रीशिएट कर रहे हैं एक ऐसी जमात जिसके आपने जलसों पर पाबंदी लगा दी लोगों को आप जमा नहीं होने दे रहे बोगस मुकदमात आप बना रहे हैं इमरान खान को आपने कई जाली मुकदमात में अंदर किया हुआ है और इसी तरीके से तहरीके इंसाफ के हजारों जो कारकुनान और कायदीन जो मुतहरक थे जो किरदार अदा कर सकते थे इस इलेक्शन के अंदर उनको बंद किया गया आर ओ मुतन किए गए डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने आर ओ जिनको बनाया गया वो इंतकामी कार्रवाइया कर रहे हैं इन तमाम हालात के अंदर हमने देखा खैबर पख्तूनखा के अंदर तकरीबन पीडीएम प्लस टोला उसको धूल चटाई है पीटीआई ने फिर शेर मरवत को गिरफ्तार किया गया और अब शोएब शहीन को क्वेटा के अंदर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और वापसी का रास्ता दिखाया गया इसके बावजूद जो लोकल लीडरशिप है वो बलुचिस्तान जहां पर तहरीक इंसाफ की तंजीम मजबूत नहीं थी वहां भी लोग जो है वो हजारों की तादाद में बाहर निकल रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो कैदी है अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान की सूरत के अंदर उसने वक्त जो है वो पैदा कर दिया है सब के लिए अब इससे पहले नवाज शरीफ थे और अमूमन हम ये बात करते हैं बहुत सारे जो तजिया कार हैं वो चूंकि हर तरह का जुल्म और बरबरीत को जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं उनका ये तरीका होता है कि जी वो पहले नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ भाई यकीन उनके साथ ज्यादती हुई होगी उनके साथ उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जुल्म किया होगा लेकिन हमने भी वो देखा यानी नवाज शरीफ को परवेज मुशरफ ने जब कू किया उसके बाद जेल में डाला गया उनको सजा भी सुनाई गई लेकिन ये जो जुल्म अभी हो रहा है यानी उस वक्त नवाज शरीफ और चंद पीटीआई के जो लोग थे जो उस वक्त पीएमएलएन के लोग थे उनको जेलों के अंदर बंद किया गया बाकी वैसे ही डर गए लेकिन ये जो अभी हो रहा है जिस तरह खातन के साथ किया जा रहा है बच्चों के साथ किया जा रहा है घरों पर हमले हो रहे हैं कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं वहां स्टेज जो है वो उखाड़े जा रहे हैं एक खुली पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात को जो कुचलने का काम है नौ मई के वाकयात के तनाजर में जो हुआ है ये तो शायद शुरू के अंदर अवाम दब जाएगी डर जाएगी वो इमरान खान का नाम लेना जो है वो बंद कर देंगे वो कहेंगे नवाज शरीफ जिंदाबाद जरदारी जिंदाबाद फज्रमान तेरी क्या बात है लेकिन अठारह महीने जो हकूमत की जिस तरह अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जिस तरह आम आदमी की जिंदगी जो है वो अजीरन हुई वो जो इमरान खान ने से कार्ड शुरू किया था पन्ना गाएं बनाई थी जिस तरीके से एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा था जिस तरीके से मीशत जो है वो ग्रो कर रही थी जीडीपी ग्रोथ सिक्स पॉइंट पर चली गई थी उसको जैसे जमीन बोस किया गया ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान पर दोबारा हलाकू खान और चंगेज खान की जो यादें हैं मुआशी एतवार से वो जिंदा की गई पाकिस्तान को इस तरह मुआशी तौर पर बर्बाद करना है कि वो दोबारा जो है वो पाकिस्तान खुदा न खास्ता उठ ना सके और बयानिया क्या बनाया गया इमरान खान ने मीशत बर्बाद कर दी थी और हम जो है वो मीशत को उठाने के लिए आए हैं तो अवाम ने वो अठारह माह वो तमाम जो इज्तमाही दानश है जो कहते थे पी के अलावा जो है वो एक कौमी हकूमत होनी चाहिए वो कौमी हकूमत जो है वो लोगों ने देखी उनको याद आया कि इमरान खान जो कुछ कर रहा था वो दुरुस्त कर रहा था के अंदर जो है वो उसकी पधेराई थी और अब ये जो एक स्टेज बनाया गया लंदन से एक भगौड़े को बुलाया गया उसके तमाम केसेस माफ किए गए जजेस मैनेज किए गए अदालतें मैनेज हुई ब्यूरोक्रेसी मैनेज हुई नैब एफ आई ए सारे इदारे जिन्होंने पहले उसके खिलाफ केसेस बनाए थे उन्होंने नवाज शरीफ के सामने सरेंडर किया और पाकिस्तान की आम आवाम की जिस तरह तद्लील की और अब वो सारा जो गुमाशते हैं जो एक आम तबकात के होते हैं अशराफिया वो साथ होने के बावजूद भी आज नवाज शरीफ आवाम के अंदर निकलने की पोजीशन में नहीं है बिलावल और मरियम नवाज जो भी जलसा करते हैं वो फलाप होता है टीवी चैनल मैनेज हो चुके हैं मीडिया मैनेज हो चुका एंकर मैनेज हो चुके मुख्तलिफ लिखारी वो भी मैनेज हो गया लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो अवाम है पाकिस्तान का नौजवान स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चे वो भी इमरान खान के साथ खड़े हुए और अब तो इमरान खान जिद बन गया और उसकी एक बड़ी वजह मैं अक्सर अपने विलाप के अंदर आपके सामने रखता होता हूं कि लोग अगर देखते कि भाई इमरान खान जो है उसकी हकूमत नाकाम थी अच्छी नहीं थी तो मुतबादल कोई ऐसा दयानत एल ईमानदार आदमी होता तो लोग फिर कहते कि नहीं नीयत अच्छी है लेकिन जब वही कौमी चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने चालीस पचास साल के अंदर पाकिस्तानियों को इस नेज पर पहुंचाया पाकिस्तानियों को इन कर्जों के दलदल में डाला तबाही फेरी बैरून मुल्क जायदादें बनाई असादे बनाए, बनाए फिर उनके मनी लॉन्ड्रिंग केन आर ओ दिया गया इधारे जिस तरीके से सरेंडर हुए ये सारा जो तमाशा है उसके अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस का आदिफायत ईसा का पहले मीडिया के जरिए उनको हीरो बनाना और फिर उनका जीरो हो जाना और आए रोज उनका एक्सपोज होना ये पूरी कहानी बयान कर रहा है लेकिन अब अवाम जो है वो है इमरान खान के साथ आप देखिए मैं आपके सामने दो जो ये जिले हैं ये बड़े आम है ये चूंकि इस वक्त जो पच्चीस तीस एम एन एज मैंने कल भी वीडियो के अंदर जिक्र किया था और वो ये थे जनूबी पंजाब के अंदर ये एम एन एज बड़ा आम रोल प्ले करते हैं अब जो इलेक्टेबल्स की सियासत है उसका रोल बहुत होता है पाकिस्तान की सियासत में लेकिन वो कम कर दिया इमरान खान की हमायत ने लोग अब कहते हैं बल्ले का निशान हो इमरान खान बल्ले का निशान हो या कोई और भी निशान हो हमारा जमीर हमें इजाजत नहीं देगा के बल्ले के निशान के अलावा किसी पर जो है वो मोर लगाए या इमरान खान का जो निशान है उसको छोड़कर अल्लाह के बरादरियों के तौर पर लोग मजबूर भी होंगे उनको सारा वो कहेंगे वोट आपको देना है चूंकि इस वक्त जो पोलिस का किरदार है इस वक्त पटवारियों का किरदार है जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का किरदार है, है वो मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नौकर का किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन आप देखिए कि आज ये बहावलपुर का आया है सर्वे हालांकि यहां पे उम्मीद कम थी लेकिन यहां पे जो पॉपुलैरिटी है वो है इक्यावन फीसद पीटीआई सताइस फीसद पीएमएलए और बाईस फीसदी जमाते पॉपुलर वोट पैंतालीस ट्रेडिशनल रवायती वोट जो है वो पचपन फीसद है यहाँ का फिर रहीम यार खान ये जनूबी पंजाब का आम त्रीन जिला है वहां का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक चौवन फीसद लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया है अठारह फीसद पीएमएलएन सत्रह uh, फीसद जो है वो पीपल्स पार्टी ग्यारह फीसद दीगर जमातें अब ये जनूबी पंजाब है जो हर बार यहां से एक लोटा क्रेसी जन्म लेती है और वो वफाक के अंदर हकूमत बनाने के अंदर किरदार अदा करती है तो अगर यहां बहाबलपुर रहीम यार खां के अगर ये हालात है तो आप फिर अंदाजा कीजिए कि इस वक्त किस तरह ये हवा बाखता है अब वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दे रहे एक तरफ खुली छूट है मरियम के बॉडी बने हुए हैं सारे प्रोटोकॉल दे रहे हैं जैसे वो आ, उनकी मतलब है रिश्तेदार है और बिलावल जो है उसको भी इसी तरीके से प्रोटोकॉल मिल रहा है कि सिंध तो उनको ठेके पे दिया हुआ है पिछले दो दहाइयों से और पहले भी उससे पहले भी लेकिन अब यहां जो हालात है वो तब्दील हो गए ऑनलाइन जलसा इसने आप अंदाजा करें कैसा इंपैक्ट डाला है ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है जो लेके आई है पीटीआई की टीम के उनका जो लीडर है वो अडयाला जेल में बंद है उसका जो पैगाम है वो भी बड़ा आम है लोगों का अब हजारों नहीं लाखों लोग इस वक्त जो है वो टीवी की है तो वो नहीं दिखाएगी लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव नशरियात हो रही है वहां पर जो रुपोश है मुराद सईद को लोग सुनना चाहते हैं और इसके साथ दीगर जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है अली अमीन गंडापुर और दीगर उनको देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं और वो उनको सुनना बड़ी अहमियत का अमल है अब इसके साथ जो एक ट्विटर है यूट्यूब है ने, नेट को स्लो कर देना ये बुखलाट है भाई आपके साथ सारी मशीनरी है आप कहते हो आप बड़े मकबूल हो आप तो इनको यूथिया कहते हो नौजवानों को गालियां देते हो खातिन को तंज करता है नवाज शरीफ और इसी तरीके से टारगेट करता है आसफ जरदारी आप मुकाबला करो मर्द बनो भाई आपके जो पीछे हवारी ताकतें जो आपके ताकतवर हल्के जिन जो आपको प्लेट में रख के इकतदार दे रहे हैं तो वो हिम्मत करो मुकाबला करो आप देखे पहले टीवी चैनल पे तो आप वैसे ही नहीं दे रहे तो सोशल मीडिया को भी बंद कर रहे हो इंटरनेट स्लो कर रहे हो और अब आप कहेंगे कि, कि कोई शार्क मछली पड़ गई थी उस तार को और इस वजह से स्लो हो गया तो ये अब जलसा तो कामयाब हो गया ये तमाम पार्टीज तो बढ़ गई यानी ये जो जिस तरह शेर अफजल मरवत इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ इमरान खान कैसे बर्दाश्त करेंगे तो अब एक और बड़ा सरप्राइज है वो ये सरदार लतीफ खोसा उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की शौकत बसरा अब वो मैदान में आए हैं और उन्होंने पंजाब के अंदर जलसों को अनाउंस करना है पंजाब के अंदर अब वो जलसे करेंगे अब यकीनी तौर पर जो है वो अवाम भी जमा होगी खौफ के बुत भी टूटेंगे पंजाब एक नई तारीख रकम करने जा रहा है जो इस वक्त लोगों के अंदर गुस्सा है जो लोगों का जमीर है जो उनको मलामत कर रहा है इसके साथ ही जो टिकट है उसके लिए भी आज आम अनाउंसमेंट कर दी गई है हमाद हमर जो इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं सेक्रेटरी जनरल के साथ पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने कवरंग उम्मीदवार के भी कागजात नामजदगी अंदर जमा कराए पार्टी टिकट के हवाले से जांच पड़ताल जारी है लेकिन हतमी फहरिस्तें दो हफ्ते बाद चाय होंगी जिन अफराद से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई उनकी बड़ी तादाद वापसी की ख्वाहिशमंद है ऐसे अफराद को पार्टी में वापसी के ऐलान करना होगा जिसके बाद केस टू केस बुनियाद पर फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे गैर मशरूज वापस आएंगे माफी मांगेंगे उसके बाद इमरान खान टिकट का फैसला करेगा चूंकि उनको भी पता है जबरदस्ती हमें यहां से पार्टी से छुड़वाया गया लेकिन अवाम ने कहा है भाई नहीं इमरान खान के अलावा नहीं बल्ले के अलावा नहीं तो ये ऑनलाइन जलसा लाखों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर लोग जमा है जवानों के अंदर जल्दला है खौफ के बुत अवाम ने तोड़ दिए है अब ये अगर वोट के दिन वोट पे लोगों ने पैरा दिया और कमजोर भी उम्मीदवार हो तो ये आप जेन में रखें पीटीआई को जो वोट पड़ेगा वो इन सब को जो है वो तजियात तो हिला देगा यही वजह कि आ जो है वो इलेक्शन के लिए धांधली के लिए मैदान के अंदर उतारे गए हैं लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी ये यकीनी तौर पर एक बहुत ही जबरदस्त ये कार्ड खेला है पीटीआई ने इस वक्त पूरा शहर है इकतदार और उनके पीछे जितने ताकतवर वर है वो इस ऑनलाइन जलसे ने हिला दिए हैं और वो उस बुखलाट की वजह से ये इंटरनेट स्लो हुआ है लेकिन इसके बावजूद वीपीएन के जरिए अब जो है वो लोग इन हो गए और दुनिया के अंदर जो है ये एक अनोखा जलसा है जो लाखों की तादाद के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आलमी सतह पर देखा जा रहा है सियासी तौर पर बहुत बड़ी डेवेलपमेंट है पीटीआई की टीम कामयाब हो गई है बहुत बड़ी डेवेलपमेंट है इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज